संवेदनहीन सरकार ये है कि उनकी ये भी नहीं पूछा कि क्यों बैठे हो आप। उन्हें कभी खालिस्तानी बता रहे, कभी ये बता रहे, कभी वो बता रहे, उनकी समस्या किसी ने जाने के क्यों बैठे। कर्नाटक जो शुरुआत है, कर्नाटक में क्या क्या नहीं करा इन्होंने, कितने ड्रामे नहीं करे, जब भी वोट नहीं दी लोगों ने, यही रिपीट होगा पूरे देश में। जब देश आजाद हुआ रुपये की कीमत और डॉलर की कीमत एक थी, किर्गिस सरकार आई, नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, कितने का हुआ डॉलर, 40 रुपए का, तो कब घटी कीमत, अरे 200 रुपया पेट्रोल होगा ना तो भी मोदी को लाएंगे। कश्मीर में चुनाव करके कश्मीर को पाकिस्तान में देने से अच्छा था कश्मीर में चुनाव ना हो। आज मैं शायद मोदी के लिए मैं शायद सही हुए, भाई साहब गलत है, ये है बाइडेन साहब तो गलत नहीं है, पपुआ गिनी के प्रमुख तो गलत नहीं है, सिडनी के साहब तो गलत नहीं है, सिडनी के साहब क्या बोले, मोदी इज अ बॉस, मोदी इज अ बॉस। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं, मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, इन 9 सालों के पूरा होने के बाद सरकार अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाने में हुई लगी हुई है कि हमने इन 9 सालों के अंदर ये चीज़ें कर दिखाई हैं, लेकिन इन 9 सालों के बाद अब आने वाले 2024 के लिए सरकार कितनी तैयार है, ये 9 सालों के अंदर सरकार के कामों को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, ये जानने के लिए लोगों के बीच में निकले हुए लोगों से जानेंगे कि आखिर में कैसे रहे मोदी सरकार के ये 9 साल। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए, तो इन 9 सालों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या उपलब्धियां लग रही है, क्या गलतियां लग रही है, क्या कुछ कहेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए, इस 9 साल में हमने वो देखा है जो आज तक 70 साल के इतिहास में भारत ने नहीं पाया था। पहले जब हमारे देश में पाकिस्तान आतंकवादी भेजकर हमारे शहीद कर देता था हमारे जवानों को, तब हमारी सरकार कहती थी कि हम बातचीत से मुद्दा हल करेंगे, आज हम मुंह तोड़ देते हैं जाकर। आज जब पाकिस्तान ना हमसे बातचीत नहीं करता, क्योंकि हम जब वो हमारे शहीद जवानों को शहीद करता है तो हम उसके 10 जवान को शहीद कर देते हैं। तो ये था आज पहले की सरकार में और आज की सरकार में डिफरेंस। यूएस के जो राष्ट्रपति है आज मोदी जी से खुद मिलने आते हैं, क्योंकि हमारी देश में ना इतने जनसंख्या है कि हम चाहे ना तो किसी भी सुपर पावर को झुका सकते हैं, जो हमने करके दिखा दिया है। पांच प्रदेशों के छात्रों पे वहाँ पे बैन लगा दिया, कोई एडमिशन नहीं हो रहा, पढ़ लो खबर, कल तो वहाँ से आए, कल तो उनका स्वागत हो रहा था, आज यहाँ के स्टूडेंटों को भगा रहे वो कि इनका एडमिशन नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लो ना खबर, 65 रुपए का डॉलर था, इस टाइम 82 रुपए का डॉलर है। जब इन्होंने कहा था मोदी जी ने उस पर कि जब किसी का रुपया गिरता है तो उसकी देश की साख गिरती है, जो प्रधानमंत्री बैठा है, जो शासन में बैठा है, उसकी गिरती है। अब कौन गिर रहा है, जब 82 हो रहा है, पहले 65 को दिया था इन्होंने, 82 को है। अब बताओ, मैं मुद्दे बता रहा हूँ इन्हें, सिलेंडर जब 400 का था, जब ये सिर पर रख के नाचते थे, गले में डाल के प्याज लेके नाचते थे यहाँ पे, आज इन्हें 1150 का जो सिलेंडर हो रहा वो दर्द नहीं है इन्हें। ढाई, मैं किसान आदमी हूँ, डीजल 50 रुपये था, तब भी ट्रैक्टर नहीं चला पाता था आदमी, इस टाइम डीजल 90 के आसपास है, 12 बंद है उनकी, एक बार जुताई कर रहा है, हल से चला रहे हैं, हल से चला रहे खेती, क्या धोबाई करेगा, एक बार कर रहा, गांव में जाके देखो, हम तो खूब चला रहे हैं गांव, तू जॉब चला रहे होंगे, और लगता भी किसान हो भाई साहब, मैं तो हमारे तो खूब चल रहा है, ड्यूटी चला रहे हैं डबल डबल। दूसरा ये है, एक साल तक किसान यहाँ पे बैठे रहे, संवेदनहीन सरकार ये है कि उनकी ये भी नहीं पूछा कि क्यों बैठे हो आप। उन्हें कभी खालिस्तानी बता रहे, कभी ये बता रहे, कभी वो बता रहे, उनकी समस्या किसी ने जाने के क्यों बैठे हैं। 700 आदमी मर गए किसान, सर वो तो काले कानून लाए थे, तीन काले कानून लाए थे, ये सरकार कौन से तीन, अब बता रहा हूँ काले कानून, एक तो जमाखोरी का कानून था कि कितना भी जमाखोरी कर सकते हो, कितना भी, कृषि कानून में कितने कानून थे, तीन कानून थे भाई, हाँ एक तो जमाखोरी का कानून था कि जमाखोरी कोई कितना भी कर सकता है उसका, हाँ कोई वो नहीं है, कोई भी कर सकता है। और व्यापारी, जब व्यापारी जमाखोरी करेगा तो जब वो बेचेगा तो आज 10 की कराई द्रास होगी देगा, अच्छा ठीक है ना। दूसरा मंडी का कानून था, अच्छा मंडी, प्राइवेट मंडी, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, रिलायंस ने जो है 22 रुपए का सेब खरीदा था, रिलायंस ने सरकारी खरीद रहा था 20, सारे किसानों ने बात दे दिया मंडी बंद होगी अगले साल, अगले मंडी बंद कर दी गई थी, बता रहा हूँ भाई, अगले साल रिलायंस ने कहा मैं 6 रुपए को लूंगा सेब आपका,
क्योंकि मंडी उन्होंने बंद कर दी। मंडी कोई बंद नहीं हुई थी, मंडी को बंद नहीं किया गया था। ये कहा गया था कि किसान चाहे तो पूरे देश में कहीं भी जाकर अपने माल को बेच सकता है, ये कहा गया था बस। और कुछ नहीं, क्यों नहीं जाएगा? आपके पास आंध्र प्रदेश के आम नहीं आते क्या? आपके पास आंध्र प्रदेश के आम नहीं आते क्या? आपके खाते आप चावल का दिल्ली में उगाया जाता है, किसान थोड़े लाएगा, व्यापारी लाता है, किसान थोड़े लेकर जाएगा चावल। सर जब किसान को व्यापारी बनाया जा रहा है तो इसमें क्या दुख की बात है? ये बताइए क्या लगता है, जो मोदी जी के 9 साल है, इनको आगे आने वाले 2024 के अंदर चुनावों में ये 9 साल और बढ़ेंगे, क्या लगता है? पूरे 15 कर्नाटक से शुरू हो गया इनका भगाना, छल्ला उठाने का टाइम आ गया। अब कर्नाटक जो शुरुआत है, कर्नाटक में क्या क्या नहीं करा इन्होंने, कितने ड्रामे नहीं करे, जब भी वोट नहीं दी लोगों ने, यही रिपीट होगा पूरे देश में। अच्छा, क्या लगता है? क्योंकि अभी तो ये ट्रेलर है ना कर्नाटक का, रिपीट होगा। अभी मध्य प्रदेश में देखियो क्या होगा, और फिर राजस्थान में देखियो क्या होगा, ठीक है ना? बताइए क्या कहेंगे? क्या आपसे 9 साल पहले 40 रुपए का था डीजल? क्या डीजल 40 रुपए था? और डॉलर की बात करो, थोड़ा पीछे चल पड़ते हैं। जब देश आजाद हुआ रुपये की कीमत और डॉलर की कीमत एक थी। किसकी सरकार आई? नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, कितने का हुआ डॉलर? रुपये में और डॉलर में 46 रुपए का अंतर आ चुका था, 46 रुपए का। तो कब घटी कीमत? और जब मोदी जी की सरकार आई उससे पहले पेट्रोल डीजल 70-80 रुपए पे आ चुका था, 10-20 रुपए बढ़ गए, तो उसमें क्या हो गया? इनकम भी बढ़ी है लोगों की। भाई देखो, वह जो विदेश से जो कच्चा माल आएगा ना उसी के आधार पे देंगे। तो आपके अनुसार महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी और आवक जो है वो बढ़ी है? आमदनी बढ़ी। तो क्या लगता है ये 9 साल जो है मोदी सरकार को आने वाले 2024 के अंदर जीत दिलाएंगे या फिर इस बार विपक्षी एकता हावी रहेगी? विपक्ष में एकता है कहाँ? है कहाँ? बिल्कुल ठीक करें भाई, होता तो कर दो, एक बाल काला कर दो, एक बाल लाल कर दो, एक पीला कर दो, एक नीला कर दो, क्या लगेगी एक रूपता? विपक्ष के लोग मुद्दा विहीन है। आप विकास की बात करो तो ये कुछ से कुछ बात करेंगे ना, इनका गठबंधन बनेगा ना ही इनका कुछ बनेगा। आज मोदी जी के राज में हर क्षेत्र में विकास है, चाहे आप हाईवेज को देखिए, चाहे आप एयरपोर्ट सेक्शन को देखिए, चाहे आप मेडिकल कॉलेजेस को देखिए, चाहे आप एम्स को देखिए, चाहे आप बाहर विदेश नीति को देखिए, हर क्षेत्र में मोदी जी ने डंका बजा रखा। इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र प्रधानमंत्री बोलता है मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस कहने का अर्थ यही है। और ये जो दिल्ली में बैठे कुछ लोग विपक्ष के ताना बाना बुन रहे, इनका कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये कुछ दिन के चंद मेहमान है, सत्ता में तो 400+ मोदी जी आएगी। ये लोग विपक्ष में आने के लिए लड़ रहे हैं कि भैया मैं विपक्ष में आ जाऊँ तो मैं विपक्ष में बैठूँ। इनका नीति समाप्त है, कुछ होने वाला इनका नहीं है। न भूतो न भविष्यति, ऐसा प्रधानमंत्री, इसके ऊपर देश को क्या, हमें खास करके भारतीयों को गर्व है। कब तक मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? 2024 से 2029 तक, इससे ज्यादा सुर ठीक नहीं रहेगा। 2024 से 29 तक बस। उम्र देख रहे हो? उम्र देख रहे हैं। और अच्छा, उनके बाद फिर किसे देख रहे हो? उसके बाद देखो, उसके बाद तो रंग तो योगी का लगता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जल्दी में बात नहीं है क्या ऐसा है? केजरीवाल मेरा खास से खास आदमी है, मेरे गांव का है। केजरीवाल कहता है मैं रोज 20-30 गालियां देता हूं मोदी को, और पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है, बोला तुम भी मेरे साथ मिलके गालियां दो। आप मुझे आप गिन के बताइए कि बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में है, बताइए ना आप, बताइए। 14 राज्यों में। कहाँ कहाँ पे बताइए? 14 राज्यों में है, बता, मैं एक एक करके अब राज्य कैसे बताऊँ मैं कैसे आई है? वो ऑपरेशन लोटस से आई है। वो दल बदलू कानून वहाँ पे लागू होता है, जब बीजेपी की सरकार होगी दल कानून लागू नहीं। राजस्थान में सरकार बनती तो वो ऑपरेशन किसी ऑपरेशन से ईवीएम खराब होने से नहीं बनती है। कर्नाटक में चुनाव हुआ वहाँ पे ईवीएम सही चला, और यूपी में चुनाव होता है तो ईवीएम खराब हो जाता है। और दूसरी बात कर्नाटक के चुनाव को आप लोकसभा चुनाव से कैसे जोड़ सकते हैं? जनता हमारी आजकल पढ़ी लिखी है, वो एक राज्य सरकार का, राज्य का एक क्षेत्रीय मामला होता है, वो अपने अनुसार राज्य सरकार को वोट करती है। लोकसभा अलग चुनाव है। दिल्ली में विधायक, पिछली बार हमने देखा था एमएलए की संख्या आम आदमी पार्टी की ज्यादा थी, पर दिल्ली में हमने 7 की 7 सीटें जीती है लोकसभा में। तो कर्नाटक को आप सेमीफाइनल कैसे बोल रहे हैं? कर्नाटक को आप ऐसा लोकसभा के पहले का रिजल्ट कैसे बता दिए? कर्नाटक तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सरदार जी का सुन लो मेरी बात। 2024 2024 में ना मोदी सरकार 400+ वोट सीटों में आएगी, देख लेना। मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, पिछले 6 साल से जम्मू में इलेक्शन नहीं हुआ। मैं एक बार बात सुनना भाई साहब,
उन्होंने ट्रायल के लिए क्या किया, बीजेपी लाने के लिए क्या, म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन करवाई 2019 में 370 के बाद कराई, जहां बोलते हैं कि हिंदू मेजोरिटी में जम्मू में वहां बीजेपी हारी, वहां एनसी ने और पीडीपी ने मिलकर वहां म्युनिसिपैलिटी में अपनी सरकार बनाई। एक मिनट, उसके बाद 2020 में पंचायत के चुनाव होते हैं, वो ट्रायल करवाते हैं कि हमारे एमएलए जीतेंगे, वो फिर से हारे, एनसी ने मिलकर पूरे जम्मू में कश्मीर में सरकार बनाई, और पिछले 5 साल से वहां सरकार नहीं है, ड्यूटी क्या हालत है, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लूट मूट बची हुई है ना जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस के राज में कितने बम ब्लास्ट हुए, कितने क्या खराबे हुए, आज मोदी के राज में कौन सा हुआ? अरे पाकिस्तान को तो घुस के मारा, पाकिस्तान को तो घुस के मारा, उसकी इकोनॉमिक की हालत बेकार कर दी। अरे मोदी क्या, अरे 200 रुपया पेट्रोल होगा ना तो भी मोदी को लाएंगे। कश्मीर में चुनाव करके कश्मीर को पाकिस्तान में देने से अच्छा था कश्मीर में चुनाव ना हो। 370 हट गया और कश्मीर में दो झंडा, एक देश में दो झंडा होने से अच्छा है कश्मीर में चुनाव ना हो, उसको राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और कश्मीर वो पता किसका है, किसी का एजेंडा नहीं है। आज कश्मीर में एक बम ब्लास्ट नहीं होता है, आतंकवाद खत्म हो गया है। और तो और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ भैया, आज मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। कश्मीर में बोला था लाल चौक पे झंडा फहराना बहुत मुश्किल है, राहुल गांधी गए झंडा फहरा के आए हैं और वो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, राहुल गांधी को ये नहीं पता था कि आज लाल चौक पे वो जो झंडा फहराने गए थे वो मोदी सरकार की देन है, कि वहाँ पे कोई झंडा नहीं फहरा सकता था। आज मैं शायद मोदी के लिए मैं शायद सही हुए, भाई साहब गलत है, ये है बाइडेन साहब तो गलत नहीं है, पप्पू आगिने के प्रमुख तो गलत नहीं है, सिडनी के साथ तो गलत नहीं है, सिडनी के साथ क्या बोले, मोदी इज अ बॉस।